हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीषाद स्टडी 99 चैनल पर। तो इस वीडियो में आपको संवैधानिक संविधान, भारत का संविधान के बारे में बताया जाएगा। तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। इसमें से संविधान से यूपी ट्रिपल एससी पेट में 5 नंबर का पूछता है। तो यह पहला जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, कौन आता है? तो यह मौलिक अधिकार आता है। ऑप्शन जो है ये सही है, राजस्व निरीक्षक 2016 में पूछा गया है। तो अगला प्रश्न है, वर्ग 1 और 2 का उचित मिलान कीजिए। प्रभुत्व संपन्न, प्रजातांत्रिक, धर्म निरपेक्ष, भाईचारा। तो इसमें जो है मिलान करना है, तो इसमें कौन सा सही है? तो यह ऑप्शन जो है सी सही है, पहला का बी होगा, पहला का बी, प्रभुत्व संपन्न, लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। तो दूसरा जो है सी, प्रजातांत्रिक, जो है लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है। धर्म निरपेक्ष, नागरिकों किसी भी धर्म का अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भाईचारा का, सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? तो यह प्रस्तावना को माना जाता है आत्मा के रूप में। तो ये कौन कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, यह भाग 4 के क में निहित है, अनुच्छेद 4। तो अगला प्रश्न जो है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 40 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? तो यह मुफ्त कानूनी सलाह, तो आप किसी से भी ले सकते हैं मुफ्त में कानून। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो यह अनुच्छेद जो है 44 में कहा गया है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। भाग 4, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? तो यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व में निहित है। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव किया? तो यह M.N. राय ने। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए, तो यह H.C. मुखर्जी है। भारत का संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो कि 26 जनवरी को लागू हो गया था और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो यह है क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो यह 15 सदस्य थी, 12 लोगों ने सिग्नेचर किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? तो यह डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी थे। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व स्वीकारता है। यह किसका कथन है? तो यह डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर जो है 16, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है, विचार और अभिव्यक्ति का वचन देता है। क्वेश्चन नंबर जो है 17, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो यह 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया था और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था।
क्वेश्चन नंबर जो है 18, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद की उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके उपाध्यक्ष जो है कौन थे, तो इसमें जो दिया है जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर जो है 19, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो यह है 117,369 शब्दों का बना है। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान पूर्ण रूप से लिखा गया था। तो यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।